चोले के बच्चे, मेरी बॉल तुम्हारे पास क्या करी है? फौरन दो मुझे, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। पकड़ में आऊंगा तब टांगे तोड़ूंगी। वैसे दूसरी तरफ से पकड़ती हूँ। व्हाट? आंटी आ रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या टीवी पे टिकट चलवा दी थी? तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे मेरा तो फोन चार्ज नहीं था ना, लेकिन तुम्हें आंटी को संडे को नहीं भिजवाना था यार, मैं क्या करूं? क्यों, संडे को कौन सा फंडा होता है तुम्हारे घर में? अरे हमारा घर चिड़ियाघर बना होता संडे वाले दिन। तो इस चिड़ियाघर को ना इंसानों वाला घर बना दो फौरन, क्योंकि मामा पहुंचने ही वाली हैं। मैं बात बात करता हूँ तुमसे। अरे यार मैं क्या करूं? ना खैर करे। I'm so sorry. Are you okay? आपको लगी तो नहीं ना? No, it's okay. आंटी आपको पता है एक बार एक अंकल स्कूटर से जा रहे थे, माला आपी ने उनके सर पे खींच के बॉल मारी। पिंकी बेटा अंदर जाओ। बेटा ये सारिम का घर है? जी सारिम भाई के ही घर है, मैं उनकी बहन हूँ माला। मैं डॉक्टर राजिया, नैन तारा की मदर। सारिम ने बताया होगा? हाँ उन्होंने बताया था ना, आप आए ना अंदर। अच्छा दोस्तों अभी गाड़ी आने में टाइम है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सब जानते हैं मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। कम ऑन बजाओ। घर में कोई फंक्शन है क्या? रुक जा ये पकड़े। ओह नॉट एट ऑल, ये तो मच्चू हमारे जो चाचा है ना उनका फौजी बैंड है जो कि सर्विसेज देता है शादियों के फंक्शंस में। फौजी बैंड? लेकिन आजकल तो फंक्शंस में डीजे को बुलाया जाता है ना। जी अस्सलाम वालेकुम, डीजे की सर्विसेज भी है हमारे पास, जब भी चाहिए बताइएगा। मच्चू ये डॉक्टर राजिया है, चांद भाई की जो क्लास में ना नैनतारा उनकी मदर है। चांद कौन? एक्चुअली हम सारे भाई को प्यार से चांद बुलाते हैं घर वाले सारे। हाँ ठीक है ओके। अच्छा भाई गाड़ी आ गई है बाहर, तुम लोग सब जाके गाड़ी में बैठो, वहाँ पे पहुंचो, एक घंटे बाद में तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ ठीक है? जाओ शाबाश, नाक ना कटवाना और पहले बिरयानी ना मांगना, नतीजे हो जाते एकदम। छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। चलो बेटा ऊपर जाओ, मेहमान आई है ना। ओ वेलकम मेहमान, वेलकम आंटी, वेलकम। क्या कर दिया बेटा? चोले के बच्चे। वो मेरे बच्चे कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हैं, दो मिनट में ड्राई हो जाएगा, डोंट वरी। बच्चू हो जाएगा ना ड्राई? हाँ हो जाएगा दो मिनट में। हाँ आंटी दो मिनट में सूख जाएगा। इनको ड्राइंग रूम में ले जाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ इनको। जी सफू चाची आप प्लीज जाके मामले को संभाले ना। चाची प्लीज लीजिए, इसकी इज्जत का आधा फालो तो वहाँ पर डॉलर ने बना दिया पानीपत का मैदान सजा कर। और ऐसे ही कसा राशु ने पूरी कर दी, घर क्यों नहीं आया? वो आ जाएगा, पर खुदा का वास्ता आप गेस्ट को ये मत बताइएगा कि मेरा बेटा तो टिकटॉकर है। अच्छा ये तुम कह रही हो, अब तुम भी अपनी बास्केटबॉल की फतवा पर रोशनी डाल लेना। आप दोनों अगर यही लड़ते रहे तो मां बच्चों की आल औलाद तारा की मदर को भगा देगी यार। अरे तारा है कौन जिसने हम सबको दिन में तारे दिखा दिए? और तुम लड़की पसंद करके आ भी गए, चाची इस पर भरोसा नहीं था तुम्हें? मैं आपको सब बता दूंगा, प्लीज जाए ना अंदर। और माला तुम प्लीज ले जाओ ना सामान, मेहमान कब से बैठे हैं यार। ओए चांद बड़ी से तारों पे कमंदर डाल रहे हो, गुन्ने मीस ने बताया तक नहीं तुमने नैन तारा का। आहा जैसे मतीन ने बहुत बताया था तुम्हारे बारे में, पूरा 5 साल इश लड़ा था ना तुम्हारे मोहल्ले में वो। इसलिए तो कहती हूँ नाच की परवाह से जलता है जमाना। अरे तुम जाकर अपनी डॉलर की परवाह को कंट्रोल करो, बहुत ही बुरी आदत है उसको मेहमानों की प्लेट से उठा उठा के खाने की। सफू भाभी बच्चों को डांटने से ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। छोड़ हाँ तो सही कह रही है, मैं भी जाऊं तुम्हारे सलीम चाचा का कॉन्फिडेंस डाउन करने। खवातीन को देखे ना वो भी पटरी से उतर ही जाते हैं।